भगत को कहा सीकरी काम। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सीकरी का इतने सुंदर कीर्तनकार श्रीनाथ जी के कुम्बनदास जी महाराज कि श्रीनाथ जी को जब पद सुनाते तो आसपास बैठे हुए भक्त भी भाव विभोर हो जाते और सरकार को भी कल नहीं पड़ती, सरकार को भी चैन नहीं आता जब तक कुम्बनदास जी का पद ना सुन लेते। ऐसी दिव्य रसमयी वाणी। एक बार तानसेन ने बादशाह अकबर के आगे कुम्बनदास जी की प्रशंसा की का सरकार ब्रजमंडल में एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे भक्त हैं जिनका गायन आपने सुन लिया तो पिछला अब तक जो सुना है सब भूल जाओगे, इतना सुंदर गाते हैं, इतना आपसे भी सुंदर गाते हैं तानसेन, आपसे भी सुंदर गाते हैं बादशाह ने कहा। तानसेन ने कहा मेरे और गाने मेरे और उनके गायन की आप तुलना कर रहे हो? अरे मेरे और उनके गायन की तुलना हो नहीं सकती है। कहा कैसे, क्यों नहीं हो सकती है? तानसेन जी ने कहा बादशाह क्षमा करना, मैं एक हार्ड मास के बादशाह को रिझाने के लिए गाता हूं और कुम्बन दास जी जगत को बनाने वाले के लिए गाते हैं। मैं तुम्हें रिझाने के लिए गाता हूं और वो गोविंद को रिझाने के लिए गाते हैं, मेरी और उनकी आप तुलना कैसे कर सकते? बादशाह के मन में इच्छा जगी, कहा मुझे दर्शन करना है, तुम उन्हें राजमहल यहां सीकरी लेकर आओ, फतेहपुर सीकरी में उनको बुलवाओ। तानसेन ने कहा देखो वो भक्त हैं, वैष्णव हैं, हमें लगता नहीं कि वो यहां आएंगे। बादशाह ने कहा प्रयास करके देखो, हम उनका गायन सुनना चाहते हैं। आप इतनी प्रशंसा, तानसेन जिसकी प्रशंसा कर रहे हो उनका गायन कितना अद्भुत होगा, मैं सुनना चाहता हूं, मैं व्याकुल हूं उनकी वाणी को सुनने के लिए, एक बार उन्हें फतेहपुर सीकरी लेकर आओ, राज दरबार में लेकर आओ। सेवक भेजे गए जमुनावती गांव में कुम्बन दास जी के पास, संदेशा पहुंचा। अब पहले तो कुम्बन दास जी ने मना ही किया, कौन ब्रजमंडल को छोड़ के बाहर जाना चाहेगा साहब। एक बार बक्सर वाले मामा जी का प्रसंग हमने सुना जय, कि कुछ संतों के साथ वो ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन में जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, वृंदावन से ही जा रहे थे, तो ऊपर की बर्थ पे भी कुछ यात्री बैठे थे, पैर लटका के बैठे थे और पाँव में जूते पहन रखे। अब संत लोग भी, भीड़ थी, कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, पैसेंजर डिब्बे में ही थे, जनरल डिब्बे में, तो गाड़ी चल रही थी कोई बात नहीं, बक्सर वाले मामा जी सरकार और संत वृंद सब खड़े थे भीड़ में जैसे भी। अब जहां मामा जी सरकार खड़े थे ऊपर वाली बर्थ पे जो व्यक्ति बैठा था उसने पाँव में जूता पहन रखा था। अब ट्रेन चले तो पाँव हिले तो वो जूता कई बार मामा जी के सिर पर लगा, तो मामा जी तो शांत है, संत हैं, मौन, कोई बात नहीं, लेकिन जो उनके साथ एक दो संत थे उन्होंने, उनको थोड़ा सा रोष आया और जो ऊपर बैठा वो व्यक्ति जिसने पांव लटका रखे थे, पांव में जूते थे, जिसके जूते बार बार मामा जी सरकार के सिर पर लग रहे थे, तो एक संत ने उनमें से उस व्यक्ति को थोड़ा सा डांटा फटकारा, अरे भाई हमने बैठने को तो कहा नहीं कि हमें सीट दे दो, हम नहीं, हम खड़े होके चले जाएंगे, लेकिन कम से कम नीचे तो देखो संत खड़े हैं, पांव लटका कर बैठे हैं, तुम्हारे जूते इनके सिर के ऊपर लग रहे हैं, पांव ऊपर करके नहीं बैठ सकते क्या? अब उस व्यक्ति ने पांव ऊपर कर लिए और मामा जी सरकार ने कहा बाबा क्यों रोष करते हो, क्यों क्रोध करते हो? तो कहा मामा जी आपको तो चिंता है नहीं लेकिन हमसे अब सहा नहीं गया, इतनी बार आपके सिर पे जूता लगा,
इतनी बार आपके सिर पे जूता लगा, आप तो कुछ बोले नहीं, लेकिन हमसे अब सहन नहीं हुआ इसलिए हमने इसको फटकारा। मामा जी सरकार के हृदय के भाव देखो, सुन के हिल जाओगे। कहा बाबा एक बात बताओ, अच्छे खासे वृंदावन में रह रहे थे, कोई कमी थी क्या? अब भैया वृंदावन को छोड़ के बाहर संसार में जाएंगे तो जूता ही लगेंगे और कर सुहाली भी लगेगी। वृंदावन को छोड़ के बाहर जाएंगे तो जूते ही पड़ेंगे। बाहर गमन को ना मन में विचार उठे, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे, अंतिम समय में धारणा प्रबल मेरी, जन्म जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे। पीत पटवारों श्याम सन्मुख हमारे आए, लकुटी समेत नेक भ्रकुटी मरोड़ दे, और वृंदावन बीच होवे मृत्यु जो हमारी, तो वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे सा। कौन ब्रज की सीमा से बाहर जाना चाहेगा? लेकिन कुंभन दास जी ने सोचा, चलो बुलाया है हो आए, इसमें भी श्रीनाथ जी की कोई इच्छा होगी। और कुंभन दास जी ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हारे साथ चलने को तो तैयार हैं, इधर से तो हम पैदल जाएंगे, लेकिन हमें संध्या को ठाकुर जी की शयन आरती का दर्शन करना होता है, उधर से तुम हमारी वापसी की कोई वाहन से व्यवस्था करवा दे, जो हमें शीघ्र गिरिराज जी पहुंचा दे। तो सेवकों ने कहा बाबा आप चलो, उधर से वापसी की आपकी व्यवस्था हम करवा देंगे, जो आपको शीघ्र गिरिराज जी पहुंचा दे। और कुंभन दास जी वही अपनी टूटी हुई पादुका, फटे हुए वस्त्र, एक कंधे पे गमछा है, फटी हुई धोती बांध के चल रहे हैं आज फतेहपुर सीकरी की ओर। पैदल चल के गए बादशाह अकबर के दरबार में, और वहां बादशाह ने आज कुंभन दास जी के स्वागत में पूरे राजमहल को सजा रखा है, दुल्हन की तरह राजमहल सजा हुआ है। आज संगीत सम्राट पधार रहे हैं, जिसके गायन की प्रशंसा तानसेन तक कर रहे हैं, ऐसे संगीत सम्राट आ रहे हैं, ऐसे ऐसे गायक आ रहे हैं। उनके स्वागत में बादशाह अकबर ने पूरा महल सजा रखा है, लेकिन भक्त को इन सब बातों का क्या, उन्होंने दृष्टि तक भी नहीं डाली क्या सजावट है क्या स्वागत है। और बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे और बादशाह अकबर ने पूछा तानसेन से, कौन? कहा ये वही है कुंभन दास जी, कहा ये वही है कुंभन दास जी। और बादशाह अकबर ने कुंभन दास जी से कहा, हमने आपके गायन की बहुत प्रशंसा सुनी है, आप हमें भी कुछ सुनाओ, अपनी वाणी का लाभ हमें भी प्राप्त कराओ, हम सुनना चाहते हैं आपके गायन को, आप कुछ सुनाओ। कुंभन दास जी के नेत्र नीचे हैं, क्यों? क्योंकि कुंभन दास जी ने तो केवल अपने गोविंद को रिझाने के लिए गाया, जब भी गाया अपने गोविंद के लिए गाया, मन में कष्ट है। और बादशाह बार बार आग्रह कर रहा है, मन में थोड़ा सा रोष आया और कुंभन दास जी ने एक पद गाया बादशाह अकबर के दरबार में, और पद में तीखी तीखी बात सुना दी कुंभन दास जी ने बादशाह अकबर को। लेकिन अकबर को उन शब्दों पे ध्यान नहीं गया, बस उनके गायन पे ही मुग्ध हो गया। और कुंभन दास जी ने गाया राजभवन में क्या, भगत को कहाँ सीकरी काम, 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 भगत को कहाँ सीकरी काम। हमारा यहाँ क्या काम, हम क्यों आए, किस लिए आए? आप गायन की बात करते हो, हमें तो अपना ब्रजमंडल अपने गिरिराज जी में ही आनंद आता है, लेकिन फिर भी तुमने बुलाया, चलो आए। लेकिन प्यारे हम तुम्हारी शान में गा ही नहीं सकते, हम तुम्हारी प्रशंसा में कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जीव अगर प्रशंसा करेगी तो केवल अपने श्रीनाथ जी की करेगी और किसी की नहीं करेगी। और मन में क्रोध आ गया कुंभन दास जी के,
और क्रोध में ही गा दिया क्या, भगत को कहाँ सीकरी काम, भगत को कहाँ सीकरी काम, भगत को कहाँ सीकरी काम। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, पैदल चल के आए हैं, एक ही पादुका थी वो भी टूट गई। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। और इतना ही नहीं हुआ, तुम्हारे सीकरी फतेहपुर सीकरी आने के कारण हमसे आज बहुत बड़ी भूल हुई। क्या भूल हुई, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहाँ सीकरी काम, भगत को कहाँ सीकरी काम, भगत को कहाँ सीकरी काम, भगत को कहाँ सीकरी काम। जाको मुख देखे दुख लागे, जाको मुख देखे दुख लागे। इन नेत्रों ने श्रीनाथ जी के अलावा किसी को निहारा नहीं, ना जाने मेरे कौन से ऐसे कर्म उदय हुए जो आज एक यवन का मुख देखना पड़ रहा है। जाको मुख देखे दुख लागे, 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 ताको करन पर्यो परनाम, ताको करन पर्यो परनाम, ओ ताको करन पर्यो परनाम, ताको करन पर्यो परनाम, भगत को कहाँ सीकरी काम, भगत को कहाँ सीकरी काम, भगत को कहाँ सीकरी काम, भगत को कहाँ सीकरी काम। दास लाल गिरधर बिनो, कुंभन दास लाल गिरधर बिनो, कुंभन दास लाल गिरधर बिनो, कुंभन दास, कुंभन दास, कुंभन दास लाल गिरधर बिनो, कुंभन दास लाल गिरधर बिनो। जहाँ हमारे गोविंद नहीं, जहाँ हमारे श्रीनाथ जी नहीं, जहाँ हमारी यमुना महारानी नहीं, जहाँ महाप्रभु नहीं, उस स्थान का दर्शन करना भी महा अपराध है साहब। इतनी धाम के प्रति अनन्य निष्ठा, और आज एक बादशाह के एक यमन के दरबार में जाना पड़ गया। कुंभन दास लाल गिरधर बिनो, कुंभन दास लाल गिरधर बिनो, कुंभन दास
लाल गिरधर बिनु कुंभन दास लाल गिरधर बिनु सब जग झूठो धाम सब जग झूठो धाम भगत को कहसी करी काम 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 आवत जात पन्हैया टूटी आवत जात पन्हैया टूटी आवत जात पन्हैया टूटी आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम बिसर गयो हरि नाम बादशाह समझ गए कि इनको कोई लोभ नहीं कोई लालच नहीं ये तो केवल अपने खुदा को रिझाने के लिए गाते हैं और कुंभन दास जी वापिस सीकरी से चले हैं गिरिराज जी की ओर नाम संकीर्तन करते करते गिरिराज जी की ओर जा रहे हैं। आज हम इस कथा प्रसंग को इस कथा सत्र को यहीं विराम दे रहे हैं। आज गिरिराज जी कुंभन दास जी पहुँच रहे हैं और कल के सत्र में अष्ट सखाओं की वार्ता के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे और कल विशेष आनंद है ठाकुर जी की कृपा रही तो कल शायद पूज्य गुरुदेव भगवान का भी आगमन हो। बस आप प्रार्थना कीजिएगा कि पूज्य गुरुदेव सरकार यहाँ पधारे उनका शुभ आगमन हो। आप सब ठाकुर से प्रार्थना करना क्योंकि थोड़ा शरीर अस्वस्थ था अभी कल लेकिन हमें ऐसा विश्वास है कि पूज्य गुरुदेव सरकार हम सब पर कृपा बरसाने के लिए कल पधारेंगे। बस ये विश्वास बनाए रखें। आज हमारे बीच आदरणीय भैया जी पधारे हैं इनके पावन मुख से भी हमें आशीर्वचन लेने हैं इसलिए आज इस प्रसंग को यहाँ विराम दे रहे हैं। बस नाम संकीर्तन करते हुए एक भाव श्रवण करते हुए हम यहाँ विराम देंगे। दो मिनट के लिए भगवत नाम ले लो। जय बल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलहारी 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 जय बल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी है 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 वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी दोनों भुजा उठा के चरित्र को यहाँ विराम दें। लाडली जी का तृतीय रसोत्सव चल रहा है ये हाँ और हम सब यहाँ श्री जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए ही बैठे हैं। बस दो मिनट के लिए श्री जी के नाम की भिक्षा हमें दे दो उसके बाद भैया जी का आशीर्वचन सुन के ही आप सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आरती होगी उसके बाद विधिवत यहाँ से प्रसाद लेके आप सब प्रस्थान करेंगे। इसी तरह मर्यादित रूप से बैठे रहें बस आनंद लो और श्री जी से प्रार्थना करो कि ये उत्सव ऐसे ही अजर अमर रहे।
श्री जी का उत्सव मनाने का सौभाग्य हमें समय समय पर मिलता रहे, ऐसी कृपा श्री जी हम पर बरसाएं। आइए मिलके हमें भिक्षा दे दीजिए, फिर हमारे पूज्य भैया जी महाराज आप सबको